वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। चाइना और अमेरिका के द्वारा लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया जा रहा है और चाइना के इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के कारण इंडिया को ये काफ़ी चिंता का विषय लगने लगा है। आज हम इंडिया के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल कौन है और ये कितनी डेडलीस्ट है। चाइना के द्वारा लगातार इंडिया बॉर्डर पर नए नए हथियारों की तैनाती की जा रही है और इसको देखते हुए इंडिया के भी तरफ से अपने एडवांस वेपन्स को तैनात किया जा रहा है ताकि चाइना के वेपन्स को काउंटर किया जा सके। अब हाल ही में चूंकि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसे कि अमेरिका के द्वारा बताया गया कि ये असफल रहा, पर फिर भी ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो हम जानेंगे कि इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है या नहीं, और अगर काम कर रहा है तो ये अपने डेवलपमेंट के किस फेज में है। इंडिया के द्वारा जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसे ब्रह्मोस मार्क 2 के नाम से जाना जाता है और इसे अब ब्रह्मोस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे के का मतलब अब्दुल कलाम से है। इंडिया के द्वारा पहले से ही ब्रह्मोस मार्क 1 का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों फोर्सेज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मोस मार्क 1 दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 3 है। अब ब्रह्मोस मार्क 1 के एडवांस वर्जन ब्रह्मोस मार्क 2 का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। इसका डेवलपमेंट रशिया और इंडिया की ज्वाइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मार्क 2 के स्केल मॉडल को सबसे पहले एरो इंडिया 2013 में प्रदर्शित किया गया था। ब्रह्मोस मार्क 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जिसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 8 यानी कि 9800 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं। तो मैक 5 के ऊपर की स्पीड को हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। ब्रह्मोस मार्क 2 में स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 8 की स्पीड प्रोवाइड करेगा। इस मिसाइल के डिज़ाइन को लगभग पूरा कर लिया गया है और इसकी टेस्टिंग अगले साल यानी 2022 से शुरू की जा सकती है। अगर हम बात करेंगे कि इसे सर्विस में कब इंडक्ट किया जाएगा तो इसके इंडक्शन की जो ईयर है, एक्सपेक्टेड ईयर है, वो 2025-2026 है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट, लैंड, सी तथा सबमरीन कहीं से भी लॉन्च की जा सकेगी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल डेवलप होने के बाद दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। जैसा कि इंडिया के पास पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मार्क 1 है, उसी तरह ये मिसाइल भी दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। अभी तक रशिया के बाद किसी भी देश के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन इस रेस में चाइना और अमेरिका काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, जिसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी अपने इस प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा और ब्रह्मोस 2 को जल्दी से जल्दी बना के इसको चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करना होगा। ये मिसाइल मैक 8 की मैक्सिमम स्पीड और 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाली है, इसीलिए ये चीन के खिलाफ एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और चीन को काउंटर करने के लिए ये मिसाइल एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर इंडिया इसे 2025 तक ऑपरेशनल कर लेता है तो इंडिया विश्व का चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। जय हिंद।